छत्तीसगढ़ के सियासी गतिविधियों पर और जानेंगे कि खास बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी आज दिल्ली जाएंगे, जहां वो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा ली जाने वाली बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह प्रदेश अध्यक्षों से बातचीत करेंगे, संगठन को लेकर बातचीत हो सकती है। वहीं एआईसीसी के प्रभारी सचिवों का दौरे का आज तीसरा दिन है। एआईसीसी की टीम जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक कर लोकसभा में मिली हार की समीक्षा कर रहे हैं। एआईसीसी के दोनों प्रभारी सचिवों डॉक्टर चंदन यादव और डॉक्टर अरुण उराव 7 जून से 12 जून तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और आज सुबह 11 बजे बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे। दोपहर 2 बजे मुंगेली पहुंचकर जिला कार्यकारिणी की बैठक होगी। शाम 5 बजे बेमेतरा जिला कार्यकारिणी की भी बैठक लेंगे। तो छत्तीसगढ़ का आज सियासी हलचल, दरअसल कांग्रेस बीजेपी में खास गतिविधियां रहने वाली हैं। आपको बता दें अमित शाह की बैठक में शामिल होंगे कुछ वरिष्ठ नेता। और ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, जैसा कि छत्तीसगढ़ की सियासत में आज तमाम हलचलें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी, दोनों की तरफ से तमाम खास कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या जानकारियां? हाँ देखिए मूसा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में हार मिली है, 11 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और जो 9 सीटें थी वो कांग्रेस को गंवानी पड़ी, तो लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है। पिछले दिनों ये देखा गया था कि जो प्रभारी पीएल पुनिया है और प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार हार की समीक्षा को लेकर उन्होंने बैठक की थी, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की थी, कई महत्वपूर्ण फैसले वहां पर लिए गए थे और सीधे तौर पर कहा गया था कि कार्यकर्ताओं की नेताओं से दूरी न हो, इसलिए मंत्रियों को वहां बैठने राजीव भवन में बैठने का फैसला लिया गया था। उसी के तहत मंत्री लगातार वहां राजीव भवन में बैठकर कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुन रहे हैं। लेकिन जो एआईसीसी के जो 2 प्रभारी सचिव हैं चंदन यादव और अरुण राव, वो प्रदेश में अलग अलग जिलों में जाकर जिला संगठन की बैठक ले रहे हैं। आज भी अगर उनके दौरे की बात की जाए तो उनके दौरे का आज तीसरा दिन है, 7 अप्रैल से वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और आज बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी और उसके बाद मुंगेली जिला कांग्रेस कमेटी, ये दोनों की वो बैठक लेंगे और बैठक में स्पष्ट रूप से ये विचार विमर्श किया जाएगा कि हार का कारण आखिरकार लोकसभा, चाहे वो बिलासपुर लोकसभा हो चाहे अन्य लोकसभा हो, आखिरकार कांग्रेस को क्यों मिली, अलग अलग कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा। इसके अलावा एक रिपोर्ट कार्ड तैयार की जा रही है, एक रिपोर्ट कार्ड यह है कि किस कार्यकर्ताओं ने काम किया किसने नहीं किया है, सभी चीजें नोट वहां पर करते दिखाई दे रहे हैं दोनों प्रभारी और उस रिपोर्ट को यहां पर दौरे के बाद वो सीधे जाकर जो आला कमान है उसको वो सौंपेंगे। तो हार के कारण अभी भी जानने में लगातार जुटी है, क्योंकि जिला लेवल जो होता है ये काफी महत्वपूर्ण होता है, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, तो इन जगहों पर जाके सीधे बैठा रहना कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और हार के स्पष्ट कारण यही जगहों से मिलते नजर आते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव जिस तरीके से बीजेपी समीक्षा कर रही थी तो रायपुर में एक तरह विवाद हो गया था, लेकिन जहां जिला स्तर पर बैठक होती है वहां पर स्पष्ट कारण निकलकर सामने आते हैं। तो दोनों प्रभारियों का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है, कल भी वो कई जगहों पर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगे और हार का कारण ढूंढने में लगेंगे। इसके अलावा बीजेपी की बात की जाए तो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रम उसेंडी, वो आज दिल्ली जाएंगे, कल जिस तरीके से अमित शाह एक बैठक लेने वाले हैं प्रदेश अध्यक्षों की, उसमें वो शामिल होंगे, संगठन को लेकर बातचीत उस बैठक में हो सकती है ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि आगामी किस तरीके से कार्य प्रदेश अध्यक्षों को करना है ये अमित शाह कल टिप्स दे सकते हैं। और जैसा कि हिमन, एआईसीसी का के दौरे का तीसरा दिन है, उसको लेकर क्या और जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, जो 2 एआईसीसी के प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव अरुण राव चंदन यादव, वो जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक एक तरफ जरूर ले रहे हैं और तरफ वो जो बड़े नेता हैं जिला लेवल के जिन्होंने नेतृत्व एक तरह से किया और विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत कांग्रेस को दिलाई थी, और खास करके जो बूथ अध्यक्ष हैं
बूथ अध्यक्ष की भूमिका विधानसभा में काफी मजबूती से दिखाई दी, लेकिन अगर वहीं लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में काफी पिछड़ी नजर बूथ में कांग्रेस आई थी, बूथ में कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया था। ऐसी ही स्थिति बीजेपी की विधानसभा में चुनाव में देखी गई थी, लेकिन उन्होंने सबक लिया और लोकसभा चुनाव में उस जो गलती उन्होंने की थी उसको नहीं दोहराया। लेकिन कांग्रेस के जो बूथ अध्यक्ष हैं उन्होंने कहीं ना कहीं काम नहीं किया, इसकी भी लगातार शिकायतें सीधे तौर पर आला कमान को मिल रही थी, यहाँ संगठन को मिल रही थी। तो इन चीजों को भी वो अपने जो रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें शामिल कर रहे हैं कि आखिरकार बूथ अध्यक्षों ने काम क्यों नहीं किया। जो कार्यकर्ता हैं जो वहाँ प्रभावित करते हैं मतदाताओं को, उन्होंने काम क्यों नहीं किया, क्योंकि जो लोकसभा उम्मीदवार है जिनको हार का सामना करना पड़ा है वो अलग से अपनी लिस्ट भी दे रहे हैं कि किन कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, किन्होंने उनके साथ दगाबाजी की। तो इस लिस्ट को भी दरकिनार दोनों प्रभारी नहीं कर रहे हैं, इस लिस्ट को भी अपने पास रखे हुए हैं और पूरी रिपोर्ट फिर आला कमान को वो सौंप देंगे। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। और इस बीच अगली खबर जो है